हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज एक्सरसाइज 6.1 कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21। सो इन क्वेश्चन नंबर 21 इट्स गिवन रवि ऑब्टेंड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट टू यूनिट टेस्ट। सो रवि के जो पहले दो यूनिट टेस्ट हुए हैं उसमें उसके जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 70 एंड दूसरे में आए हैं उसके मार्क्स 75। सो सपोज मेरा फर्स्ट यूनिट टेस्ट है उसमें मैं 70 मार्क्स लिख लेती हूँ और सेकंड यूनिट टेस्ट में 75 मार्क्स लिख लेती हूँ। नेक्स्ट फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट। सो मिनिमम से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो आपको इनइक्वालिटी फाइंड आउट करनी है वो कौन सी यूज़ करनी है, वो हम अप्लाई करेंगे दिस वन। नाउ फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। सो मिनिमम एंड एटलीस्ट से आपको पता चल गया आपको इस इनइक्वालिटी का यूज़ करते हुए अपना सोल्यूशन फाइंड करना है। आपको थर्ड यूनिट टेस्ट के जो मार्क्स है वो फाइंड आउट करने हैं। सो मैं लेट कर लेती हूँ थर्ड यूनिट टेस्ट के मार्क्स एज एक्स, जो कि आपको फाइंड आउट करने हैं, और आपको इन तीनों यूनिट टेस्ट की एवरेज निकाल के दे दी है, दैट इज 60 मार्क्स। और किसी चीज़ की भी आपको अगर एवरेज निकालनी होगी तो आप क्या करते हैं, सपोज इन थ्री यूनिट टेस्ट की आपको एवरेज निकालनी है तो आप तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे विद 3। सो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड अपॉन 3, ये होगी आपकी एवरेज। और एवरेज आपको ऑलरेडी दे रखी है, सो हम इनइक्वालिटी ये लेकर चलेंगे। एज हमारे क्वेश्चन में मिनिमम और एटलीस्ट सिग्निफाई किया हुआ है आपको जो इनइक्वालिटी यूज करनी है। सो आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों की वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पर। अब 70 plus 75 plus x upon 3 greater than equals to 60। सो ये 3 उधर चला जाएगा एंड दिस ऐड कर लेंगे हम, एंड इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 145 plus x greater than equals to 180। सो 180 minus 145, व्हाट यू विल गेट, x की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35। सो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सोल्यूशन आया है वो मेरे पास आया है ये। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 22। टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशंस ईच ऑफ 100 मार्क्स। सो किसी कोर्स में अगर आपको ग्रेड ए मार्क्स की अगर आपको ग्रेड ए मार्क्स चाहिए तो उनकी जो एवरेज है वो आपको 90 मार्क्स लेकर आनी है, या तो 90 मार्क्स लेके आए या तो उससे अबव लेके आए। सो 90 मार्क्स एज एन एवरेज आपको दे दिया है क्वेश्चन में। कितने एग्जामिनेशंस की एवरेज दे रखी है आपको, 5 एग्जामिनेशंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इफ सुनीताज मार्क्स इन फर्स्ट 4 examinations आर दिस दिस एंड दिस, फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन द 5th examination टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स। सो मिनिमम में आपको इनइक्वालिटी यूज़ करनी है ये वाली। एवरेज आपको दे दी है 5 examinations का 90, और जिसमें से कि आपको 4 examinations के मार्क्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, 5th examination के आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू, जो कि मेरा 5th एग्ज़ाम है उसकी मैं लेट कर लेती हूँ टर्म एक्स, और बाकी मुझे 1, 2, 3 and 4 एग्ज़ाम्स के मार्क्स मुझे ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 87, 92, 94, 95। अब मुझे एवरेज निकालनी है। सेम प्रोसेस है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 21 में किया है, 87 plus 92 plus 94 plus 95 plus x इनइक्वालिटी आएगी ये वाली विद एवरेज 90। सो ये 5 टर्म उधर जाएगी और ये टर्म्स एड ऑन कर लेते हैं हम, व्हाट वी विल गेट 368 plus x greater than equals to 450। सो व्हाट यू विल गेट 82, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 450 में से 368 को, यू विल गेट 82। सो आपका क्वेश्चन 22 का जो सॉल्यूशन है वो आया है ये। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 6.1 में भी क्लियरली बताए हुए हैं। यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो टू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, और यू कैन वॉच दिस ऑल्सो, और मैं यहाँ पर भी आपको
समझाऊंगी कि हमें ये किस तरह से सॉल्व करना है। जब भी हमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेनी होती हैं, कॉन्जिक्यूटिव होता है साथ साथ, तो अगर आप एक वैल्यू लेंगे आपको इसके साथ एक और वैल्यू भी लेनी होगी। सो अल्टीमेटली पेयर बनेगा टू वैल्यूज़ का, दैट इज़ एक आप लेंगे एक्स, सपोज ये एक मेरा पहला और पॉजिटिव अगर इंटीजर है, तो दूसरा मुझे लेना है एक्स प्लस टू। चाहे आपके पास कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, ये आपको हमेशा यही वैल्यूज लेनी है। एक एक्स लेंगे और दूसरी एक्स प्लस टू। ये इसलिए बिकॉज अगर एक्स में मैं यहाँ पर ऑड के लिए एक्स की वैल्यू वन रखूँगी, तो यहाँ पर वन प्लस टू मेरे पास वैल्यू आएगी थ्री, जो कि दूसरी भी वैल्यू मेरे पास ऑड ही है। अगर यही बात इवन की करें, अगर मैं एक बार एक्स की वैल्यू इवन लेती हूँ यहाँ पर टू, और यहाँ पर रखने पर टू, मेरे को फोर मिल रही है वैल्यू। सो ये एक्स कॉमा एक्स प्लस टू जो एक पेयर मुझे फाइंड आउट करना है, फाइंड द ऑल पेयर्स, चाहे आप ऑड लें चाहे इवन, आपको यही टू टर्म्स लेनी है फॉर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। सो हमारे पास है x और x प्लस टू, टू इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। ये दोनों की जो वैल्यू है वो 10 से कम है। इस कंडीशन से क्या पता चल रहा है कि 2 जब उधर जाएगा वी विल गेट x लेस देन 8। सो x लेस देन 8 बता रहा है एक बार, और x लेस देन 10 बता रहा है। सो कॉमन वैल्यू क्या होगी आपकी, सपोज यहाँ पर 7, 8, 9, 10 आपकी वैल्यूज हैं। एक बार x की वैल्यू वो कह रहा है कि मेरी जो x की वैल्यू है 10 से कम है, मतलब ये पोर्शन, और एक बार कह रहा है कि मेरी x की वैल्यू 8 से भी कम है, सो मतलब ये वाला पोर्शन। सो हमें वो वाला पोर्शन लेना है जो कॉमन पोर्शन होगा। सो मतलब आप वो वैल्यूज पिक करेंगे जो कॉमन पोर्शन में आ रही है, दैट इज x लेस देन 8 वैल्यू आप उठाएंगे। सो पहली कंडीशन से आपको x की वैल्यू लेनी है लेस देन 8। दूसरी देखते हैं, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। इन दोनों को सम अप करेंगे x प्लस 2, तो वो मोर देन है 11, ग्रेटर देन 11। सो इसको जब सॉल्व करेंगे 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, सो इधर आएगी वैल्यू 9, और x ग्रेटर देन 9 बाई 2 होना चाहिए। एंड 9 बाई 2 की कैलकुलेशन करेंगे सो आपको मिलेगी वैल्यू 4.5। सो 4.5 के नेक्स्ट इंटीजर टर्म आती है 5। सो आपको जो वैल्यूज लेनी है ऑड में, तो पहला ऑड आएगा 4.5 के बाद 5, और आपको x की वैल्यू लेनी है 8 से कम और ऑड होनी चाहिए, तो 6 आप ले नहीं सकते, इवन आ जाएगा। सो 7 आपका ऑड है, ये आप ले सकते हैं, और 5 वैल्यू ले सकते हैं, और 8 की वैल्यू नहीं इंक्लूड करेंगे बिकॉज यहाँ पर नीचे इक्वल का साइन नहीं है, सिर्फ लेस देन की बात हो रही है। सो मेरे पास टू वैल्यूज़ हैं जिनके साथ मैं पेयर अपना फाइंड आउट कर सकती हूँ। एक बार मुझे x में 5 वैल्यू रखनी है, तो मेरी दूसरी वैल्यू आ जाएगी, पहला पेयर बनेगा जो कि, फिर एक बार मैं x में 7 रखूँगी और दूसरी वैल्यू आ जाएगी, तो वो मेरा होगा पेयर 2। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में आपने देखा कि एक बार आपकी जो कंडीशन है, अगर आप इस तरह से भी रखना चाहें, तो एक बार आपकी वैल्यू 8 से कम होनी चाहिए और किससे बड़ी होनी चाहिए, 4.5 से। इस तरह से एक साथ भी आप लिख सकते हैं अपने टर्म्स को। सो ये कंडीशन आपकी आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 23, ये कंडीशन है। इसी के बीच में आपको वैल्यूज लेनी है, और वो भी ऑड वैल्यूज लेनी है, जो कि है 5 और 7 ओनली। सो मेरे जो पेयर्स बनेंगे, पहला पेयर बनेगा 5 की वैल्यू रखूंगी तो 5 प्लस 2 7, और दूसरी अगर मैं 7 वैल्यू रखूंगी तो 7 प्लस 2 दैट इज 9। सो ये आपका आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 23। आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्ट हाउ वी फाइंड द पेयर्स ऑफ एनी कॉन्जिक्यूटिव ऑड और इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। सो क्वेश्चन नंबर 24 एग्जैक्टली इसी तरह से होगा, लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर 24 में आपको गिवन है, फाइंड आपको पेयर्स करने हैं कॉन्जिक्यूटिव, इवन अब आ गया है आपके पास, राइट? लेकिन आपको क्या लेने हैं, एक्स कॉमा एक्स प्लस टू ही लेंगे, मैंने आपको जैसे बताया है। सो बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, एक्स भी मेरा 5 से बड़ा है और एक्स प्लस टू भी मेरा 5 से बड़ा है। सो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं,
सो 5 - 2 एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए और 5 से भी बड़ी होनी चाहिए. सो कहने का मतलब है कॉमन पोर्शन में एक बार वो कह रहा है कि 3 से वैल्यू मेरी बड़ी होनी चाहिए और एक बार वो कह रहा है कि मेरी 5 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए. सो हम कॉमन पोर्शन लेंगे. अल्टीमेटली एक्स की वैल्यू आपकी 5 से बड़ी होनी चाहिए. सो पहली कंडीशन से आपके पास ये आ रही है टर्म. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट. Such that their sum is less than 23. अगर इन दोनों को सम करते हैं तो मेरी वैल्यू वो तो जो मेरी वैल्यू है वो लेस देन 23 है. सो 2x 23 माइनस 2 2x लेस देन 21 x लेस देन 21 बाय 2 x लेस देन 10.5. सो मेरी x की वैल्यू 10.5 से कम होनी चाहिए. सो दैट इज़ अगर इंटीजर इवन नंबर आएगा मेरा 10.5 से कम तो वो कौन सा है 10. सो अल्टीमेटली पहली कंडीशन से आपका x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए. दूसरी कंडीशन से आपकी x की वैल्यू 10.5 से कम होनी चाहिए. आपको जो पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं वो इवन में ही लेने हैं. सो अगर मैं इनको कंबाइन करके लिखना चाहूँ मेरी x की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए 10.5 से और किससे बड़ी होनी चाहिए 5 से. सो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. अब इसी के बीच में आपको इवन पॉजिटिव इंटीजर्स पिक करने हैं और अपने पेयर्स बनाने हैं. सो 5 के नेक्स्ट टर्म जो पॉजिटिव में बड़ी इवन वैल्यू है वो है 6. फिर हम 7 नहीं ले सकते बिकॉज इवन नहीं है वो ऑड है. नेक्स्ट आती है वैल्यू 8. 8 के बाद अब 9 नहीं ले सकते वो भी ऑड है. सो इसके बाद 10 आएगी वैल्यू वो 10.5 से भी कम है और 5 से भी बड़ी है और ये 10 की वैल्यू इवन भी है. सो यहाँ से आपकी 3 वैल्यूज आई हैं जो कि इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. इसी के आपको कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स बनाने हैं. सो ये है आपका पेयर. एक बार आप 6 रखेंगे यू विल गेट 8. एक बार आप 8 वैल्यू रखेंगे यू विल गेट 10 और एक बार 10 रखेंगे यू विल गेट 12. सो आपके पेयर्स आ गए हैं ये विद दिस 3 वैल्यूज. ये है आपका सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 24. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 25. द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 cm, find the minimum length of the shortest side. So, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है. सबसे पहले मैं लेट कर लूँगी अपनी शॉर्टेस्ट साइड और वो मैं लेट कर रही हूँ x. बिकॉज मैंने शॉर्टेस्ट साइड पहले x लेट इसलिए करी है बिकॉज मेरी जो लॉन्गेस्ट साइड है वो भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर ही मेरे पास आ रही है वो भी शॉर्टेस्ट साइड की हेल्प के साथ. एंड थर्ड साइड भी मेरी जो आ रही है वो भी शॉर्टेस्ट साइड की हेल्प के साथ ही आ रही है बिकॉज जो थर्ड साइड है वो 2 सेंटीमीटर छोटी है लॉन्गेस्ट साइड से. और लॉन्गेस्ट साइड कब आएगी जब मेरे पास शॉर्टेस्ट साइड की वैल्यू पता होगी और उसको मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी आई विल गेट द लॉन्गेस्ट साइड. सो इसलिए मैंने सबसे पहले लेट करा है अपनी शॉर्टेस्ट साइड को x. ठीक है अब मैं बाकी वैल्यूज ले लेती हूँ. और हम यहाँ पर ट्राइंगल की बात कर रहे हैं. हमें पैरामीटर दिया हुआ है एक ट्राइंगल का एटलीस्ट करके. जैसे हमें प्रीवियस क्वेश्चंस में एवरेज दे रखी थी एग्ज़ाम्स के मार्क्स की निकाल कर और उसके साथ हम इक्वालिटी लगाते थे इसी तरह से आपको पैरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल की वैल्यू दे रखी है पूरी निकाल के 61 सेंटीमीटर. ठीक है सो ये जो साइड्स हैं ये ट्राइंगल्स की साइड हैं और जो तीनों साइड्स हैं आपके पास वो आपको दे रखी है. किस तरह से हम अभी वैल्यूज निकाल लेते हैं उनकी तीनों साइड्स की अपने ट्राइंगल की. उसके बाद हम पैरीमीटर की वैल्यू जो हमें जिस तरह से हम ट्राइंगल का पैरीमीटर निकालते हैं वो वैल्यू हम इनइक्वालिटी के साथ इक्वल रखेंगे 61 के और फिर हम फाइंड कर लेंगे अपनी शॉर्टेस्ट साइड. यहाँ पर एक शॉर्टेस्ट साइड है ट्राइंगल की मैंने यहाँ पर पुट कर दी. नेक्स्ट साइड फाइंड आउट करते हैं. सपोज मान लेती हूँ मैं ये मेरी लॉन्गेस्ट साइड है और इसको मैं नाम लिख लेती हूँ लॉन्गेस्ट साइड LS. ठीक है सो ये वैल्यू कैसी है. द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड. सो मेरी जितनी शॉर्टेस्ट साइड है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरी लॉन्गेस्ट साइड आ जाएगी. सो 3.x दैट इज 3 × x. सो लॉन्गेस्ट साइड मेरी आई है 3x. ये वाली साइड x मेरे पास ऑलरेडी आ गई है. सो बाकी बची एक साइड दैट इज द थर्ड साइड. सो इसका नाम ले लेते हैं थर्ड साइड
और ये कैसी है, द थर्ड साइड 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है, 2 सेंटीमीटर छोटी है, किससे, लॉन्गेस्ट साइड से। सो जो मेरी थर्ड साइड है वो कैसी है, लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम है। तो अगर ये मेरी लॉन्गेस्ट साइड है, इसमें से माइनस करूँगी 2 सेंटीमीटर, तो मेरी वो बन जाएगी थर्ड साइड। सो मैंने पहली शॉर्टेस्ट ली x, लॉन्गेस्ट साइड मान ली जो मेरी सेकंड साइड है वो मान ली मैंने सेकंड पॉइंट, और थर्ड वैल्यू जो मैंने अभी निकाली थर्ड साइड 3x-2। सो ये आपको पैरामीटर निकालना आना चाहिए, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल होता है जो आपकी तीनों साइड्स हैं उन तीनों को ऐड कर देते हैं, यू विल गेट द पैरामीटर ऑफ योर ट्राइंगल। सो हम 3 साइड्स को ऐड कर देंगे, लेकिन उसका ऑलरेडी आपको निकाल के दिया हुआ है सम अप, दैट इज 61। जैसे हमें प्रीवियस क्वेश्चंस में एवरेज निकाल के दी होती है एग्जाम्स के मार्क्स की, यहाँ पर आपका पैरामीटर निकाल के दिया हुआ है। सो हम पैरामीटर की वैल्यू इनइक्वालिटी के साथ, एटलीस्ट की इनइक्वालिटी आती है ये वाली, और रख देंगे इक्वल्स टू 61। सो वैल्यूज हम पुट कर देते हैं एक्स प्लस 3x प्लस 3x-2, तीनों साइड्स ट्राइंगल की मैंने लिख दी हैं। सो ये मेरे पास बन रही है कंडीशन आफ्टर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आपको फाइंड क्या करनी है, शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड मैंने क्या लेट की थी x, सो अल्टीमेटली मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आप इस इक्वेशन से, इस इनइक्वालिटी की हेल्प के साथ x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सॉल्व करते हैं इसको, 3x प्लस x प्लस 3x दैट इज 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61, ये 2 की वैल्यू उधर जाएगी, सो 63 हो जाएगा, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 63 डिवाइड बाय 7, यू विल गेट 9। सो जो आपकी शॉर्टेस्ट साइड है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होनी चाहिए 9 सेंटीमीटर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 26। अ मैन वॉन्ट्स टू कट 3 lengths फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। सो किसी पर्सन को एक बोर्ड है उसके पास, सपोज ये मेरा एक बोर्ड है 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है उसके पास, इसी सिंगल पीस ऑफ बोर्ड में से सपोज उसको 3 sides कट करनी है, सपोज यहाँ से कट करनी है, यहाँ से कट करनी है, या फिर यहाँ से कट करनी है। सो कोई 3 sides आपको कट करनी है इसी सिंगल पीस ऑफ 91 सेंटीमीटर बोर्ड से। सो जिस तरह से हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा कि आपको एग्ज़ाम्स, टोटल 3 exams अगर दिए होते थे, उनकी एवरेज निकाल के आपको दी होती थी, तो आप उसको एग्ज़ाम्स के मार्क्स को और उनकी एवरेज को इक्वालिटी के साथ पुट करके अपना इजीली निकाल लेते थे। यहाँ पर भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे, जो मुझे 3 lengths कट करनी है और मुझे 3 sides कट करनी है, उन 3 lengths को मैं ऐड ऑन करूँगी, और 3 lengths वो मैक्सिमम मुझे उतनी ही कट करनी है, तो वो मेरी मैक्सिमम लेंथ हुई उस बोर्ड में कट करने के लिए। सो मैक्सिमम वर्ड यहाँ पर नहीं है, सो आपको एज्यूम करके यही चलना है कि आपको उस 91 सेंटीमीटर बोर्ड में से उतनी मैक्सिमम लेंथ ही कट आउट करनी है 91 सेंटीमीटर के बोर्ड से। सो अगर पूरा 91 सेंटीमीटर का लेंथ है पूरे बोर्ड की, और कट कितनी करनी है दिस साइड, सो मैक्सिमम लेंथ के लिए, मैक्सिमम वर्ड के लिए आप कौन सी इनइक्वालिटी यूज़ करते हैं, दिस साइड। सो आप 3 lengths जो आपको कट करनी है वो दे रखें आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी हम अपनी जनरेट करेंगे 3 lengths जो मुझे कट करनी है इस पूरे 91 सेंटीमीटर के बोर्ड से, और हम उसको इस इनइक्वालिटी के साथ इक्वल रख देंगे 91 सेंटीमीटर के। सो नाउ द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी 2x एज शॉर्टेस्ट। सो सबसे पहले मैं अगेन शॉर्टेस्ट से ही मेरी सेकेंड और थर्ड लेंथ आ रही है, तो क्यों ना मैं सबसे पहले लेट कर लूँ शॉर्टेस्ट लेंथ को जो मुझे कट करनी है एज एक्स। शॉर्टेस्ट लेंथ मैंने ले ली है एक्स। थर्ड लेंथ क्या है आपकी, इज टू बी 2x एज दी शॉर्टेस्ट। थर्ड लेंथ जो आपकी है वो 2 गुना ही बड़ी है एज शॉर्टेस्ट।
सो ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट, सो जितनी शॉर्टेस्ट है उसको मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ट्वाइस टाइम्स है किसके, शॉर्टेस्ट के, तो मेरी जो थर्ड लेंथ है वो है टू टाइम्स ऑफ शॉर्टेस्ट, ये मेरी आ गई है थर्ड लेंथ। सेकेंड लेंथ देखते हैं, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, जो मेरी सेकेंड लेंथ है उसकी वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर बड़ी है, कितनी बड़ी है, किससे बड़ी है, जितनी शॉर्टेस्ट है उसमें अगर 3 ऐड कर दूं मैं तो वो मेरी सेकेंड लेंथ बन जाएगी। तो अगर अगर मुझे सेकेंड लेंथ फाइंड आउट करनी है, और मेरी सेकेंड लेंथ कब आएगी, जब 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है वो किससे, शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट में अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो वो मेरी हो जाएगी इक्वल्स टू लेंथ सेकेंड, बिकॉज सेकेंड लेंथ जो है आपकी 3 सेंटीमीटर ही बड़ी है शॉर्टेस्ट से। सो शॉर्टेस्ट में 3 ऐड कर देंगे सेंटीमीटर तो वो आपकी होगी सेकेंड लेंथ। तो आपको लेंथ लेनी ऑफकोर्स आ गई होगी, शॉर्टेस्ट लेंथ ले ली है x, थर्ड लेंथ है आपकी 2x, सेकेंड लेंथ है आपकी 3 सेंटीमीटर प्लस x। सो यहाँ पर मेरे को कंडीशन मेरी जो पहली है, तीनों साइड्स जो मुझे कट करनी है x, 2x प्लस 3x प्लस x, वो इसी बोर्ड में से रिमूव करनी है, मैक्सिमम इतनी लेंथ ही मैं रिमूव करूँगी अपने 91 सेंटीमीटर के बोर्ड में से। ये मेरी है पहली इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। सो आपको एक और कंडीशन दी हुई है अपना पूरा सम निकालने के लिए। आपको क्या करना है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, शॉर्टेस्ट बोर्ड आपको फाइंड आउट करना है कब, जब आपकी थर्ड पीस टू बी एटलीस्ट, जो आपके थर्ड पीस का मतलब है थर्ड लेंथ जो है आपकी टू बी एटलीस्ट। अब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लिखेंगे आप, टू बी एटलीस्ट है, थर्ड पीस की इनइक्वालिटी के साथ लिखा जाएगा, और एटलीस्ट का साइन आपको पता है हम लेंगे ये वाला। वो कितना बड़ा है, 5 सेंटीमीटर बड़ा है सेकंड से। सेकंड लेंथ में अगर मैं 5 सेंटीमीटर ऐड कर दूंगी तो मेरा थर्ड लेंथ आ जाएगी एटलीस्ट में। मेरी सेकंड कंडीशन आती है, मेरी सेकंड कंडीशन बन गई है ये। नाउ इक्वेशन टू एंड फ्रॉम इक्वेशन वन जो हमने कंडीशन से निकाली है, दैट इज एक्स प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 3, ये है हमारी 1, ये है हमारी 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे यू विल गेट योर आंसर। पहली सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 2x प्लस x, 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 91, 4x लेस देन इक्वल्स टू 88 हो जाएगी वैल्यू, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू एक बार आपकी लेस देन इक्वल्स टू 22 आई है। और अब ये वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं सेकेंड वन, x प्लस 8, ये x इधर जाएगा तो x हो जाएगा, एक बार आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 है और एक बार x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 22 है। आपका जो फाइनल आंसर है आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेस देन किससे है x की वैल्यू, 22 से, और बड़ी किससे है, 8 से। दिस इज योर सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 26। आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, जब आपको मिनिमम और एटलीस्ट और मैक्सिमम और एटमोस्ट इनइक्वालिटी की हेल्प से आपको अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्व एग्जांपल्स बताऊंगी फॉर एक्सरसाइज 6.2, प्लीज मस्ट वॉच दैट। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्रेश वीडियोज़।